अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जा रहे हैं मेरी ड्रीम प्लेस देवसाई। तो अभी गौरीकोट में खड़े हैं। ये पीछे जो रास्ता आ रहा है, ये आ रहा है रुपल वैली से, जहाँ से हम आए हैं नांगा पर्वत बेस कैंप से। और ये जो रास्ता है, ये जा रहा है चिलम और देवसाई, और ये रास्ता जो है ये अस्तौर जा रहा है। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा जी, चिलम जाते हुए ये रास्ते में कुछ खुबानी के दरख्त आए हैं, तो प्रोग्राम बन रहा है जैसे खुबानी खाने का। ये छोटे भाई मिले हैं, उनसे पूछा है कि भाई खुबानी खानी है, वो कह रहे जी आप फ्री तोड़े खा सकते हैं। छोटे भाई कैसे खुबानी देते हो आप? बेचते नहीं हो, ऐसे ही ठीक हो गया। कितनी ले सकते हैं? दो तीन शब्बर। अच्छा जी, ये भी बड़े हैं भाई, हम तो बस थोड़ी सी खानी है भाई। ये एक बंदा हमारा, दो बंदे चढ़ के उतार रहे हैं खुबानी, फुल जो है वो लोड हुआ है दरख्त खुबानी से। जी, तो 20 मिनट का जो है वो रास्ता रह गया चिलम चौकी का। तो अभी ब्रेक लगाई है यार खाने के लिए, क्योंकि कल 12 बजे का जो है ना हमने खाना खाया हुआ, उसके बाद को ब्रेड शर्ट बिस्किट वगैरह ही चल रहे हैं, तो बहुत ही लेवल की भूख लगी हुई है यार। तो अभी रुके हैं, ये है चश्मा होटल आएगा। तो यहाँ का जो है वो मुझे रिव्यू बड़ा अच्छा मिला था कि जी मटन वगैरह इनके पास बड़ा अच्छा होता है। तो जितनी भूख लगी है ना यार, बस आज मटन ही चलना चाहिए भाई।
ये जी चेक पोस्ट है देवसाई की, तो यहाँ पे 300 रुपीज़ जो है एंट्री है देवसाई की, और यहाँ से पहला पॉइंट जो है वो श्योसर लेक आएगा, तो एंट्री फीस पर करके निकलते हैं श्योसर की तरफ। Good।
जी फाइनली श्योसर लेक पे पहुंच गए हैं। ये मेरी शहजादी और ये श्योसर लेक, माशाल्लाह यार बहुत बहुत ही खूबसूरत झील है। जितना सोचा था, जितना सुना था, उससे ज़्यादा ही इस झील को पाया है। अगर इसका ड्रोन शॉट लिया जाए तो ये ऊपर से हार्ट शेप नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत झील है। अभी इसके पास जाते हैं, फिर आपको पास जाके इसके व्यू से दिखाता हूं। दोस्तों ये थी श्योसर लेक। तो अभी निकलने लगे आगे बड़ा पानी, तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा यार, फ़ोन की बैटरी जो है वो बिल्कुल डेड हो चुकी है। बस ये आखिरी वीडियो बनेगी, उसके बाद जो है ना वहाँ बड़ा पानी जाके मोबाइल को चार्ज करेंगे। अच्छा जी, बड़ा पानी तो नहीं जा सके, तकरीबन 6:30 हो गए हैं, अंधेरा होने वाला है। तो अभी रुके हैं काला पानी पे और इसी जगह पे जो है ना वो कैंपिंग करने का सोच रहे हैं। तो ऑब्वियसली सुबह इंशाल्लाह जो है ना बड़ा पानी जाएंगे। तो इधर ये जगह देख रहे हैं कोई कैंपिंग के लिए, तो उसके बाद जो है ना फ़ोन वगैरह चार्ज करते हैं। फ़ोन्स ऑलमोस्ट सबकी बैटरी जो है वो डेड हो चुकी है। ये जी काला पानी ब्रिज पे कैंप के अंदर बैठा हूँ मैं। कैंप हमारे पास बेसिकली अपने भी थे, लेकिन हमने पैसे दे के जो है ना वो बड़ा कैंप लिया है, ताकि सारे बंदे जो है ना एक ही कैंप के अंदर आ जाएं। तो अभी दो बंदे जो है ना वो बाहर कोई चहलकदमी करने गए हैं और मैं भी अभी बाहर से ही आया हूँ। तो यार सर्दी बहुत है यहाँ पे और एल्टीट्यूड काफ़ी हाई है, तो लो ऑक्सीजन की वजह से वैसे ही सांस फूल रही है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड एंड लैंड ऑफ जायंट्स देवसाई। तो रात हमने गुजारी काला पानी कैंप साइट पे और रात को बारिश हो गई थी और इतनी कुछ सर्दी हो गई थी यार, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी सर्दी कभी फील नहीं की। इवन हम कलाम स्नोफॉल भी देखने गए थे, आपको पता होगा, तो तब भी इतनी सर्दी नहीं लगी थी यार जितनी यहाँ पर सर्दी है। तो ये मोबाइल वगैरह अभी चार्ज कर रहे हैं इन्वर्टर लगा के, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक से आप अपने फ़ोन्स को किस तरह चार्ज कर सकते हैं। ये देखें, बैटरी के साथ इन्वर्टर लगाया, ठीक है, और इसके साथ हमने एक्सटेंशन लगा दिया कैंप के अंदर ही, ठीक है। ये यहाँ से हम अपने फ़ोन्स को चार्ज कर सकते हैं, वो भी रैपिड 2। लो जी 7 बज चुके हैं सुबह के और यहाँ से निकलने लगे हैं दो लोग, बाकी का जो है ना वो मोस्टली तबीयत ख़राब ही है सबकी ठंड की वजह से। तो दो लोग हम जा रहे हैं यहाँ से बड़ा पानी।
पहुंच गए हैं भरा पानी। काला पानी से तकरीबन हम 25 मिनट में यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कोर जोन ऑफ ब्राउन बियर। तो अभी तक वैसे हमें तो नज़र नहीं आया कोर जोन लिखा हुआ है, लेकिन हमारे तो अभी तक ब्राउन बियर नज़र नहीं आ रहा है। बस ढूंढ रहे हैं, रास्ते में भी सारा ढूंढते आएंगे यार, शायद मिल जाए हमें भी, लेकिन अभी तक नहीं मिला। दियोसाई ड्रीम प्लेस। ड्रीम प्लेस मैं इसको ऐसे ही नहीं कह देता था, ये वाकई ही पता नहीं कितनी दफ़ा मैं इसको ख्वाब में देख चुका हूँ यार। ये बड़ी ही खूबसूरत जगह है, जब से इसके बारे में सुना है, इसकी वीडियोस देखी हैं, तो यार बहुत ही दिल कर रहा था। तो बस अल्लाह पाक ने मौका दिया और बाइक पर ही आया हूँ, मेरा जो है वो ख्वाब पूरा हुआ है। अभी कुछ पॉइंट्स रहते हैं अली मलिक टॉप और शतोंग वगैरह, लेकिन वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि टाइम कम है। मोस्टली लोग जो हैं वो अस्तोर से अस्कर्दू जाते हैं दियोसाई को क्रॉस करके, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। 9-10 मुहर्रम की छुट्टी भी आ रही है, तो रास्ते भी बंद हो सकते हैं, तो इसलिए वापस निकल रहे हैं यहाँ से। अब जी दियोसाई में है अभी, श्योसार लेक से थोड़ा सा पीछे, और स्नोफॉल हो गई है अनएक्सपेक्टेड। सुना नहीं था कभी अगस्त में स्नोफॉल होती है, अभी आज 15 अगस्त है और स्नोफॉल हो रही है आपके सामने, और बड़ी अच्छी खासी स्नोफॉल है, कम नहीं है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है यार। एक ये भी ख्वाब था और ख्वाब पूरा हो गया दियोसाई में स्नोफॉल देखने का, बहुत मज़ा आ रहा है यार। लेकिन उसके साथ सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, शदीद सर्दी है, हाथ फ्रीज हो चुके हैं इवन ग्लव्स पहन के भी। तो लेकिन अगर ये नज़ारा आपको मिलता है तो ये सर्दी हज़ार बार कबूल है बॉस। लो जी अभी हम मौजूद हैं चिलम से थोड़ा सा पीछे, एक पठान ब्रदर्स होटल। तो दियोसाई से निकलते निकलते यार आखिर किस्म की जो है वो स्नोफॉल थी, बहुत शदीद सर्दी हो गई थी, हाथ फ्रीज हो गए थे, तो इसलिए यार इधर थोड़ी देर रुके हैं, चाय शाय पी है, कुछ थोड़ा सा ना कोई बॉडी को सुकून हुआ है। तो अभी निकलने लगे हैं टुवर्ड्स चिलास। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। ओके, तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।